नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी जैकोबियन से रिलेटेड एक थ्योरम और उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका यूज करके हमको जैकोबियंस फाइंड करना है, ठीक है। सो सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देख लीजिए। इफ U1 and U2 be connected by the implicit relation of the form, इस फॉर्म में है। आप इसमें समझ रहे हैं कि U1 और U2 जो है वो सेपरेट, ये U1 U2 का फंक्शन भी हो सकता है और साथ ही साथ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल X एंड Y का भी फंक्शन हो सकता है। इसलिए यहाँ पर implicit relations कहा गया, मतलब कि U1 U2 X एंड Y चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, वो आपकी इक्वेशन है, ठीक है। So, उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को नेम कर देंगे F1 को नेम कर देंगे और वो किसका फंक्शन हो जाएगा, U1 U2 X1 X2 चारों वेरिएबल्स का फंक्शन हो जाएगा। और उस इक्वेशन को पहले आपको इक्वल टू जीरो कन्वर्ट करना है, देन यू विल गिव द नेम F1, ठीक है। सेकेंड F2, जो सेकेंड इक्वेशन होगी उसको हम F2 नाम दे देंगे। उसमें भी आपको सेम प्रोसेस करनी है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसका जब हम यूज करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमें निकालना है जैकोबियन ऑफ U1 and U2, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज जैकोबियन ऑफ U1 and U2। जो हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते हैं जब आपका U1 इज अ फंक्शन ऑफ X1 and X2, ठीक है, X1 and X2, एंड U2 इज अ फंक्शन ऑफ X1 and X2। सिंपल फंक्शन होते थे, U1 एक फंक्शन दे दिया जाता था X1 X2 के टर्म्स में, U2 दे दिया जाता था X1 X2 के टर्म में। तब आप जो जैकोबियन ऑफ U1 and U2 निकालते थे, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, और वी कैन से दैट डेल U1 U2 डिवाइडेड बाय डेल X1 X2, एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डेल U1 upon del X1। फर्स्ट फंक्शन जो है हमारा U1, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू X1, देन U1 upon सेकेंड वेरिएबल दैट इज X2, देन डेल U2 upon del X1, डेल U2 upon del X2। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द जैकोबियन। सॉरी, सो ये वे था। लेकिन अगर हमारा फंक्शन इस तरह से है, मींस इम्प्लिसिट रिलेशंस के फॉर्म में है, इस तरह से कि U1 U2 X1 X2 चारों रिलेटेड है, U1 U2 भी है, U1 इज अ फंक्शन ऑफ U2, तब आपको क्या करना है, इस मेथड का यूज करना है। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट दी जैकोबियन। सो जैकोबियन ऑफ U1 and U2 इज इक्वल टू दिस वे, ये है जनरल फॉर्मूला, डेल U1 U2 upon del X1 X2, एंड दिस इज इक्वल टू -1 to the power 2। 2 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर ये 2 वेरिएबल्स का है तो 2, 3 वेरिएबल्स का होगा U1 U2 U3 upon X1 X2 X3, तो आप यहाँ 3 ले लेंगे, ओके। देन डेल F1 F2 upon, ये आप देख सकते हैं ये सिंपल है, जस्ट हमने क्या किया है, इसको X1 X2 के ऊपर ले लिया है डेल ऑफ F1 F2, एंड इसके नीचे ले लिया है डेल ऑफ F1 F2, एंड डिवाइड में लिखा है तो ये वही हो गया, ठीक है। सो इस वे से कैलकुलेट करेंगे अगर आपका इम्प्लिसिट रिलेशंस के फॉर्म में U1 U2 है। सो चलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसी थ्योरम के रिजल्ट का यूज करके, आपको और क्लियर होगा। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है U³ + V³ = X + Y, एंड सेकेंड इक्वेशन इज U² + V² = X³ + Y³। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इक्वेशंस गिवन है ये U, V, X, Y चारों वेरिएबल्स की टर्म्स में है। सो हम इसी को लिखेंगे F1 एंड सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे F2 फंक्शन, ठीक है। सो F1 क्या होगा आपका, F1, ओके, पहले हम इसको इस तरफ ले आते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, मींस आप इक्वल टू जीरो में कन्वर्ट कर लीजिए। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो। सो हम ये प्लस x को इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट साइड, सो दिस विल बी -x एंड -y = 0। नाउ यू विल गिव दिस इक्वेशन, इसका नाम हम क्या दे देंगे, F1 U, V, X, Y, ये वेरिएबल्स है हमारे।
सो ये नाम आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन को करेंगे u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब प्लस y क्यूब. सो हम इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड. सो दिस इज माइनस x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल्स जीरो. एंड इसको क्या नाम दे देंगे, f टू u कॉमा v कॉमा x कॉमा y. सो दिस इज योर f वन दिस इज योर f टू. अब हमें इनको लेकर सॉल्व कर लेना है. ठीक है, सो f1 हमारा क्या हो गया, सो हियर f1 u v x y इज इक्वल्स टू u क्यूब प्लस v क्यूब माइनस x माइनस y. एंड f2 u कॉमा v कॉमा x कॉमा y इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस y क्यूब. ओके, अब हम यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. ये वाला जेकोबियन निकालना था हमें. यहाँ पे देखिए, हमें जेकोबियन निकालना है u कॉमा v का. सो दिस इज डेल ऑफ u कॉमा v डिवाइडेड बाय डेल ऑफ x कॉमा y. ओके, नेक्स्ट हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें. सो ये भी हो जाएगा माइनस वन टू दी पावर टू, क्योंकि यहाँ भी दो वेरिएबल्स में है ये. सो माइनस वन टू दी पावर टू. नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप यूज करेंगे डेल ऑफ एफ वन एफ टू डिवाइडेड बाय, ये लेंगे नीचे ये है ना, सो डेल ऑफ एक्स कॉमा वाई. ओके, एंड आप चाहे तो इसी के नीचे लिख लीजिए, दिस इज डेल ऑफ एफ वन एफ टू डिवाइडेड बाय डेल ऑफ यू कॉमा वी. इस तरह से हमें ले लेना है. ये थ्योरम का रिजल्ट का यूज किया हमने. ओके, अब ये जो है डेल ऑफ एफ वन एफ टू अपॉन डेल एक्स वाई, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है, एफ वन एफ टू ऊपर आ जाएगा, नीचे एक्स एंड वाई, मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर वाई के रिस्पेक्ट में होगा. ठीक है, सो यहाँ हम लगाते हैं फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला है आपका ये वाला जैकोबियन फाइंड आउट करने का. सो माइनस वन टू दी पावर टू इज अगेन वन, एंड यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल एफ वन डेल एफ वन, एफ वन का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में एंड वाई के रिस्पेक्ट में, फिर F2 का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, F2 का डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में, ये कहलाता है जेकोबियन. इसको कैलकुलेट करना है तो इसी वे से, इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, F1 का दोनों के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन पार्शियल एंड F2 का, फिर नीचे अप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ डेल F1 किसके रिस्पेक्ट में, u, डेल F1 v के रिस्पेक्ट में, देन डेल F2 u के रिस्पेक्ट में, डेल F2 v के रिस्पेक्ट में. ओके, अब हम ये वैल्यूज निकाल लेते हैं यूजिंग दिस फंक्शंस. ये हमारा फंक्शन है वन एंड टू, एफ वन एंड एफ टू, इसमें वैल्यूज रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. सो सबसे पहले हम कर देते हैं डिफ्रेंसिएशन एफ वन का, डेल एफ वन अपॉन क्या निकाल लेते हैं यूजिंग वन एंड टू. ठीक है, यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू कैलकुलेट डेल एफ वन अपॉन डेल यू, कितना आ जाएगा, u का करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो 3u स्क्वायर. फिर निकालते हैं डेल f1 अपॉन डेल v, v के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं सेकेंड वेरिएबल, सो दिस इज 3v स्क्वायर. देन डेल f1 अपॉन डेल x, x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा माइनस वन. ओके, दिस इज माइनस वन. y के रिस्पेक्ट में भी हो जाएगा आपका f1 अपॉन डेल y इक्वल्स टू माइनस वन. सो हमने क्या किया, जो हमारा फंक्शन था f1, इसको हमने u v x y तीनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करके वैल्यू निकाल ली. सिमिलरली हम f2 के लिए निकाल लेते हैं, सो डेल f2 अपॉन डेल u, दिस इज 2u, डेल f2 अपॉन डेल v विच इज 2v, डेल x2 अपॉन डेल x 3x स्क्वायर, देन माइनस 3x स्क्वायर. ओके, दिस इज माइनस, एंड डेल एफ टू अपॉन डेल वाई विच इज माइनस थ्री वाई स्क्वेयर. सो ये वैल्यूज हमें कहा करनी है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है. यहां पर इसी के आगे कर लेते हैं, इधर हम वैल्यूज रख देते हैं. पहले हमारा एफ वन अपॉन एक्स वन विच इज माइनस वन, ये है माइनस वन, देन एफ टू माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री वाई स्क्वेयर. देन डिनोमिनेटर में देख लेते हैं f1 अपॉन u, u u, दिस 3u स्क्वायर 3v स्क्वायर 2u एंड 2v.
सो ये वैल्यूज हमने रख दी. अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है. 2/2 का है तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3y² माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x² डिवाइडेड बाय 3 2 6, 6u² v माइनस 6uv². अब 3 कॉमन ले लेते हैं ऊपर और नीचे से, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, y² माइनस x² अपॉन, इसमें से भी आप चाहे तो uv कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा हमारे पास u माइनस v. सो दिस इज योर आंसर एंड यू हैव टू प्रूव. यही हमारा राइट हैंड साइड है, देखिए y² माइनस x² डिवाइडेड बाय 2 यहां पर छूट गया क्योंकि ये 6 है, तो 6 कॉमन लेंगे आप, 6 uv, तो 3 से 6 कैंसिल होके 2 बचेगा, 2 uv एंड ब्रैकेट में u माइनस v. सो यही हमारा राइट हैंड साइड था जो कि हमने निकाल दिया, g ऑफ uv इज इक्वल्स टू दिस, यही प्रूफ करना था. सो इन दिस वे यू कैन इवेलुएट दिस टाइप ऑफ फंक्शन. इम्प्लिसिट रिलेशंस में अगर u1 एंड u2 मीन्स u एंड v अगर रिलेटेड है, तो आपको इस थ्योरम का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है.